हेलो एरीज़, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि एरीज़ हैं यानी मेष राशि हैं तो चलिए देख लेते हैं लव करियर से रिलेटेड ओवरऑल जनवरी मंथ में यानी जनवरी 2023 में आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। ओके, सो सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर, अगर आप अपने दिल से मन से खुद को एरीज के मानते हो यानी मेष राशि के मानते हो तो आप ये रीडिंग आराम से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। ओके, यहाँ पर आया है द हाई प्रिस्टेस, बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आ गया है। और दूसरा आया है द एम्प्रेस, ये दोनों ही एक मेजर अर्काना है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी कैरी करता है। खास तौर पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड तो बहुत ज़्यादा होली एनर्जी कैरी करता है। ओके, टेन ऑफ कप्स, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ वंड्स। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है द हॉमिट। सो जनवरी मंथ में ओवरऑल आप अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते हुए दिख रहे हो। आपके पास जो भी है, जितना है, आप उससे खुश नहीं होंगे, आपको और चाहिए होगा और यही चीज़ आपको सक्सेस तक ले जाएगी, आपको विक्ट्री तक ले जाएगी। आपको ये जो रात का अंधेरा है, ये जो लैंटेन है, आपको ये सब पसंद नहीं आएगी। आपको दिन चाहिए, आपको सूरज चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, एक नया सुबह चाहिए। ओके, सो आपको अनलिमिटेड सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। सो ये बॉटम ऑफ द डेक है, इसे हम साइड कर देते हैं। यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हैं, एयर साइन जिमिनी लिब्रा एक्यूरियस हैं और यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं। सो चलिए देख लेते हैं कि जनवरी मंथ के 1 से 10 तारीख के अंदर क्या होने वाला है। सो यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे द हाई प्रिस्टेस हैं, इसका मतलब आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड दिख रहे हो। डिवाइन के तरफ से कुछ इन्वॉल्वमेंट दिख रही है मुझे, कुछ सिचुएशन इस टाइम पर ऐसा क्रिएट होने वाला है जो आपके बस में नहीं होगा, यानी उस चीज़ को आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उस चीज़ को आप चाहकर भी ठीक नहीं कर पाओगे। जो होना होगा इस टाइम पर अपने आप ही हो जाएगा। और इस टाइम पर आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने वाला है, यानी किसी को तकलीफ में देखकर आपका दिल भी रो उठने वाला है। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए इस टाइम पर आप मिस्ट्रियस बनते हुए दिख रहे हो, आप अट्रैक्टिंग बनते हुए दिख रहे हो। आपका जो पर्सनालिटी होगा वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग होगा और इस टाइम पर आप पीछे की तरफ मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखने वाले हो। पास्ट में आपने जो भी गलतियाँ किए थे उससे सीख लेकर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर कोई एक पर्सन मुझे दिख रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। कोई एक पर्सन शायद आपका भला नहीं चाहता है। आपके फैमिली या फिर आपके नियरेस्ट या फिर डियरेस्ट पर्सन में से कोई है या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं जो आपके सामने शायद बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं पर एक्चुअल में आपका बुरा ही चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। सो वो इंसान चाहेंगे आपकी टांग खींचकर आपको पीछे ले जाने की, पर इस टाइम पर आप बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हो, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, सो ऐसे इंसान से थोड़ा सा बच कर रहे हैं। सो चलिए देख लेते हैं जनवरी मंथ के 10 से 20 के अंदर क्या होने वाला है। सो यहाँ पर है द एम्प्रेस। सो डेफिनेटली इस टाइम पर आप नर्चरिंग नेचर के बनते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा प्यार आएगा, खुद पर भी और दूसरों पर भी। और ख़ास तौर पर आप खुद के ऊपर नज़र रखते हुए दिख रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो, खुद के इमोशन को वैल्यू देते हुए दिख रहे हो। अगर आप शादीशुदा हो तो इस टाइम पर आपको अपने बेबी की तरफ से कुछ गुड न्यूज़ मिलती हुई दिख रही हैं। ओके, ओके, सो यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस टाइम पर आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ के तरफ, यानी आपका कोई गोल या फिर टारगेट अगर होगा तो उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक जाते हुए दिख रहे हो। यानी इस टाइम पर कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो सकता है जो आपको आपके सक्सेस तक ले जाएगी, आपको आपकी विक्ट्री दिलाने में हेल्प करेगी। और इस टाइम पर आप बिना कुछ सोचे समझे ही आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, सो कुछ ऐसा डिसीजन आप ले सकते हो कि फुल पिक्चर देखे बिना आपने डिसीजन ले लिया, यानी आगे पीछे कुछ नहीं सोचा क्या होने वाला है या फिर क्या होगा इससे। तो इस टाइम पर आप कुछ ऐसे सिचुएशन में ही दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज दिख रहे हो। सो चलिए देख लेते हैं कि जनवरी मंथ के 20 से 31 तारीख के अंदर क्या होने वाला है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ कप्स है। सो बहुत ही ज़्यादा खुशी विराजते हुए दिख रहे हैं आपके फैमिली में।
आपके थ्रू। इस टाइम पर आपके पास पीस, हार्मनी, अबंडेंस, खुशियाँ, हैप्पीनेस सब कुछ आती हुई दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो इस टाइम पर। आप कहीं पर अपने फैमिली के साथ घूमने जा सकते हो, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आपके पास एक सक्सेस विक्ट्री भी आती हुई दिख रही है। ये जो कार्ड हैं 10 नंबर हैं, ये अपने आप में ही एक फुलफिल नंबर होता है। सो इस टाइम पर डेफिनेटली आपका कोई एक ऐसा विश पूरा होने वाला है जिसके लिए आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे। बहुत सारे लोगों के साथ शायद आपने कम्पीट किया है, या फिर इस टाइम पर शायद आपको करना पड़े और उसका रिजल्ट आपको हैंड टू हैंड ही मिल जाए। ओके पर किसी एक चीज़ को आप मेहनत से पाते हुए दिख रहे हो, यानी आपके पास आपके मेहनत का फल आता हुआ दिख रहा है। ओके सो इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। चलिए 1 से 10 तारीख के बीच का आउटकम। ओके सो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 जो नंबर है ये फिर से आपके पास आ गया है, आप देख सकते हो। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है इस टाइम पर आपके पास एक अबंडेंस आती हुई दिख रही है। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस कार्ड है, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा होली एनर्जी कैरी करता है। सो डेफिनेटली इस टाइम पर डिवाइन की तरफ से ही आपको एक गिफ्ट मिलता हुआ दिख रहा है, मुझे एक अबंडेंस मिलती हुई दिख रही है। इस टाइम पर आपकी लाइफ में कोई भी पैसों की कमी तो नहीं दिख रही है, और पैसों से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है, आप बहुत दिनों से फंसे हुए थे, तो इस टाइम पर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। आपका अगर कोई रुका हुआ मनी था, वो इस टाइम पर आपके पास आती हुई दिख रही है। चलिए देख लेते हैं 10 से 20 तारीख का आउटकम। सो यहाँ पर है डॉटर ऑफ वांड्स। ओके सो इस टाइम पर आपको खुद का वैल्यू पता चलने वाला है। ओके इस टाइम पर आपको इस लाइफ का, यानी आपका जो लाइफ है उसका वैल्यू आपको पता चलने वाला है। ये सुनने में छोटी चीज़ लग रही है, पर एक्चुअल में इसका इनर मीनिंग बहुत बड़ा है। ओके सो जीवन का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा गहरा एक मीनिंग वाला चीज़ है। ओके तो आपको इस बात को समझना होगा, और इस टाइम पर वो चीज़ आप समझते हुए दिख रहे हो। आप खुद की वैल्यू यहाँ पर जानते हुए दिख रहे हो, आपका इम्पोर्टेंस कितना है। आप खुद को शायद बहुत दिनों से इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, आप दूसरों को इम्पोर्टेंस देते थे, ऐसा हो सकता है। ओके सो चलिए देख लेते हैं कि 20 से 31 तारीख के अंदर का आउटकम। एक कार्ड ऑलरेडी निकल आया है। सो यहाँ पर है टेम्परेंस। ओके सो डेफिनेटली इस टाइम पर आपको कुछ डिवाइन की तरफ से कुछ सिंबल्स दिखने वाले हैं, या फिर आपको एंजल्स की तरफ से कुछ साइन दिख सकते हैं, एंजल्स नंबर दिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो जो भी इस टाइम पर दिखे, आप थोड़ा सा उसका मीनिंग जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर उसके थ्रू कुछ मैसेजेस मिल जाएंगे। इस टाइम पर आपकी लाइफ में बैलेंस आती हुई दिख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता था कि लव लाइफ और करियर के बीच में बैलेंस नहीं है, पैसा सेव नहीं कर पा रहे थे, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, बैलेंस बिगड़ गई है, सो इस टाइम पर आपके पास बैलेंस आती हुई दिख रही है। आपके फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज में बैलेंस बनती हुई दिख रही है। ओके सो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ओके सो चलिए देख लेते हैं कि ओवरऑल आपको जनवरी मंथ में क्या मिलने वाला है। देख लेते हैं कि ओवरऑल जनवरी मंथ में आपको, ओके सो यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली इस टाइम पर आपका जो लाइफ है वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है। आप एक नए लाइफ में एंटर करते हुए दिख रहे हो, कुछ नई चीज़ आप स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी को आप रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हो, आप एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आप अपने लाइफ में कलर को महसूस कर पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता था बहुत दिनों से कि आपका लाइफ ब्लैक एंड वाइट है, सो ऐसा नहीं है। इस टाइम पर आपकी लाइफ में कलर आती हुई दिख रही हैं। आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश और रोमांटिक फीलिंग्स रखने वाले हो अपने मन के अंदर। आप अपनी लाइफ में इस टाइम पर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर से ज़रूर महसूस कर पाओगे। आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकता है इस टाइम पर। आपके दिन में, आपके दिन का जो शेड्यूल है उसमें चेंजेस आ सकता है, आपके चलने में कुछ चेंजेस आ सकता है, आपके बातों में चेंजेस आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका नज़रिया चेंज हो रहा है, आप जैसे लोगों को देखते थे, जैसे विचार करते थे लोगों के बारे में, वो चीज़ चेंज हो सकता है। ओके सो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव मैसेज आई है। ओके सो बाय।